वेलकम अगेन, सबका स्वागत है। ये होगा पहला लेक्चर आपके रेगुलर 11 साइंस का। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बताया था कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है। तो आज उस इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद हम अपना पहला लेक्चर चालू कर रहे हैं। मैंने बोला था उस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि आप चैप्टर वन जो है फिजिक्स का, उसको जस्ट लाइक अ मैगजीन, लाइक अ न्यूज़पेपर एक बार पढ़ना। दैट इज जस्ट व्हाट, कि एक फ्लेवर देने के लिए, ना तो उसमें से कुछ पूछा जाता है, ना तो उसमें से कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ना तो वो JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, ना तो वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ इन्फो है। बस अगर आप पहली बार फिजिक्स के अंदर डीप 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 स्टडी करने के लिए अगर एंटर होते हो, तो पहले फिजिक्स क्या होता है वो पढ़ना चाहिए, और उसकी वजह से चैप्टर नंबर वन आपको वहां पे दिया हुआ है गाइस। ठीक है, चैप्टर नंबर टू से ही रियल फिजिक्स चालू होती है। तो अब हम करेंगे आज से चैप्टर नंबर टू की शुरुआत। ओके, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट और डायमेंशंस के बारे में। यूनिट और डायमेंशंस के बारे में शायद आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन याद रखो आप 11th में आ चुके हो। 11th में आने के बाद हर एक चीज जो पहले पढ़ चुके थे वैसी नहीं रहती है। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत 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 ही इजी चैप्टर है। इसके मार्क्स कभी नहीं जाते। इंडिया का कोई भी डफर से डफर बच्चा हो तो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो मार्क्स लेके आ जाता है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर ऐसा है जो आपने पहले जो पढ़ा था उससे कुछ अलग है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को और अपने फिजिक्स की जर्नी को इतिहास बनाने की कदम की और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर टू। याद रखना हम क्या करेंगे, हम पहले बोर्ड लेवल पे पढ़ेंगे। जब आप बोर्ड लेवल पे पकड़ आ जाएगी आपकी, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और उसको नीट और जेई लेवल तक ले जाएंगे, और वहां पे जब पकड़ आती है ना, तब हम एडवांस लेवल तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके जो आपका जो है ना एटीट्यूड है, कि जो आप यहाँ पे लाइव लेक्चर नहीं, लाइव लेक्चर मतलब किस तरह से लाइव लेक्चर नहीं हो रहे हैं, क्लासरूम वाले लाइव लेक्चर नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड वाले लाइव लेक्चर है ये। ऑनलाइन मोड में मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख नहीं पा रहा हूँ। तो बिना बॉडी लैंग्वेज को देखे परखे मैं यहाँ पे लेक्चर कंडक्ट करूंगा। मुझे आप सबका एक कॉपरेशन चाहिए। आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे क्वेश्चन करो। लेक्चर खत्म हो जाए, लेक्चर खत्म हो जाने के बाद जो भी मुझे पूछना है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ऐसा मत समझना कि अगर आप कोई दूसरे ट्यूशंस में जाते हैं तो फिर मुझे पूछना नहीं चाहिए। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, फिजिक्स पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है कहीं पे भी, राइट? सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर विदाउट एनी हेजिटेशन। मस्त पढ़िए, बहुत ही अच्छा पढ़िए। शुरू करते हैं, चलिए। नाउ फर्स्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का होगा फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हम रेगुलर टर्म में यूज करते हैं, जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को एक परफेक्ट तरीके से अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे किया जाए, तो कि वो तरीका आपके सामने है। देखिए यहाँ पे लिखाया हुआ है क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप कोई लेंथ मेजर करना है तो स्केल चाहिए, टाइम मेजर करना है तो क्या चाहिए, घड़ी चाहिए। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई क्वांटिटी को मेजर करते हो, वो क्लियरली डिफाइन हो, क्लियरली डिफाइन हैज अ प्रॉपर यूनिट, उसका प्रॉपर यूनिट हो, जैसे ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर यूनिट हो, ऐसी कोई भी चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर से बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड इट शुड हैव प्रॉपर यूनिट। तीन चीज याद रखनी है, वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, और वो प्रॉपर यूनिट के साथ होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें अगर आपको दिमाग में आ गई तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको दिमाग में आ जाएगी। चलिए
अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर क्यों किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर क्यों करते हैं? देखिए फिजिक्स में आपने सबने सुना होगा कि साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च दो तरीके से होता है, एक रिसर्च होता है कागज पेन पे, जहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, बड़ी बड़ी थीरीज बनाते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और अल्टीमेटली कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जैसे आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, आइंस्टाइन ने कागज पेन पे ही ये सब किया हुआ था। ठीक है, प्लैंक की थ्योरीज, क्वांटम थ्योरीज, जो भी आप देख लो, मेजोरिटी ऑफ देम आर बेसिकली डिराइव्ड ऑन पेन एंड विद पेन एंड पेपर, मतलब कागज पेन पे ये थ्योरी डिराइव्ड हुई है और ये सब थ्योरी ने हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है, राइट। अब दूसरी बात करें, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं वो है एक्सपेरिमेंट। ओके, लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देखते हैं और वो रिजल्ट देख के कुछ इंटरप्रेट करते हैं। तो अल्टीमेटली दो तरीके होते हैं, एक कैलकुलेशन होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, तो अल्टीमेटली ये दोनों चीजें की जाती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, थ्योरी बनाई जाती है। तो अल्टीमेटली थ्योरी और एक्सपेरिमेंट से हमको फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू मिलेगी, वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू से एक डेटा बनेगा और वो डेटा को जब हम इंटरप्रेट करेंगे तब जाके हम क्या कर पाएंगे, कोई सिचुएशन को, कोई फिनोमिना को और या फिर अपने नेचर को समझ पाएंगे। यानी नेचर को समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और जब हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तो डेटा चाहिए, और डेटा कैसे लिया जाता है, तो अलग अलग तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने से मुझे डेटा मिलता है। सो ये चीज सबसे फंडामेंटल चीज है फिजिक्स में, अल्टीमेटली नेचर को पढ़ना है। लेकिन कैसे, तो कि नेचर को पढ़ना है डेटा से। हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करके हम नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, यही होता है फिजिक्स। ठीक है, समझ में आया भाई सबको यहाँ पे क्या होता है फिजिक्स और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। अब फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी का मेन टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसमें फिजिकल क्वांटिटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, राइट। यहां पे मैं पेन ले लेता हूं, देखिए ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है अल्टीमेटली, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो फंडामेंटल और डिराइव की बात पहले करते हैं हम यहां पे। फंडामेंटल क्या होता है, जैसे देखिए मास, मास होता है मेरे पास है, आपके पास है, आजू बाजू आप जितनी भी चीजें देखते हो बहुत सारी चीजों के अंदर क्या है, मास है। हर चीजों में, बहुत सारी क्या, हर चीजों के पास मास है। वो मास उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, आपकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, हर एक चीज के पास मास होता है। तो मास पहले से ही है, मतलब उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो दिखता नहीं है बट फील होता है, राइट। सो यहाँ पे मास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि मास को डिफाइन करने के लिए हमको कोई और चीज की जरूरत नहीं होती, बस वो है, वो फील होता है, वो दिखता नहीं लेकिन फील होता है। सिमिलरली जैसे हम बात करें टाइम की, टाइम भी दिखता नहीं है लेकिन टाइम चलता है आगे, हमेशा आगे चलता रहता है, चलता रहता है। टाइम जैसी कोई चीज है तो सही, दिखती चाहे ना हो लेकिन है तो सही। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में ज्यादा पता चलेगा जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में समझोगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है। और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या आता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं कि जैसे स्पीड को डिफाइन करना है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब स्पीड को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, टाइम की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस और टाइम के बिना मैं स्पीड को डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब ये जो स्पीड है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई,
क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए दूसरी दो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम कोई और नई क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज का क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे फोर्स, आपने सुना होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास और एक्सेलरेशन, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मतलब यहां पे देखो मास और एक्सेलरेशन दोनों से क्या बनता है, फोर्स बनता है। तो फोर्स अपने आप एग्जिस्ट नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि फोर्स क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। जैसे वर्क, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क किससे बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बनता है। तो मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी कोई और फिजिकल क्वांटिटी से बनती हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप में ही डिफाइंड होती है, उसको डिफाइन करने के लिए कोई और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, फंडामेंटल और डिराइव्ड। जल्दी से मुझे बताओ, देखो आपको मेरे साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है, ये लेक्चर सिर्फ आप मेरे सामने नहीं हो लेकिन वर्चुअली यू आर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो आपको मेरे साथ इंटरैक्ट करना है। आपको जैसे ही समझ में आ जाता है आपको क्या दिखाना है, ऐसे सिंबल दिखाना है, समझ में आया सर, समझ में आया सर, समझ में आया, ओके, यस सर, हेलो सर, हाई सर, जो भी है आपको बोलते जाना है। सो मुझे भी लगेगा कि आप सामने बैठ के मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, समझ में आया। और इंटरेक्शन से क्या होता है, बोरियत नहीं होती, कंटाला नहीं आता, एनर्जी मेरी भी बढ़ जाएगी और जितनी मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी उतना मेरा टीचिंग भी बढ़ जाएगा। कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सामने वाले स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट किस तरह से अपने टीचर के पास से चीजों को एक्सेप्ट करता है, चीजों को सीखता है, राइट। तो आपको भी मेरे पास से जितना हो सके उतना ज्यादा अभी के अभी सीखना है, तो आप उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चलिए बताइए, अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब अपने आप में डिफाइंड होती है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए दूसरी कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या था, मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, करंट था, ये मैंने बोल दिया। फिर डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल में मैंने बताया वर्क है, फोर्स है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये सब ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे दूसरी क्वांटिटी की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए मैं उसको क्या कहता हूँ, डिराइव्ड क्वांटिटी कहता हूँ। समझ में आया, जल्दी से बताइए। चलिए और हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ, इंटरेक्शन होना चाहिए, आई लाइक इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। मेरे क्लासेस में सब कुछ, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्लास लाइव लगना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट चीज क्या है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अभी हमने देखा, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसका एक लिस्ट मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। इस लिस्ट से आपको दिखेगा कि ये देखो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और किलोग्राम को लिखा जाता है केजी से। फिर लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट होता है मीटर, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट होता है सेकेंड और उसको डिनोट किया जाता है सिर्फ एस से। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है एम्पियर और उसका सिंबल होता है ए। टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट होता है केल्विन या सेल्सियस। कुछ टाइम हम केल्विन में मेजर करते हैं, कभी कभी हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो सेल्सियस और केल्विन दोनों उसके सिंबल और यूनिट हो जाएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ये ब्राइटनेस जो होती है, लाइट चालू होती है तो उसकी ब्राइटनेस कितनी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, वो होती है लाइट की इंटेंसिटी, उसको कैंडेला नाम के यूनिट से मेजर किया जाता है और उसका यूनिट होता है सीडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल से डिफाइन किया जाता है, आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मोल के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो एक मोल क्या होता है, एक मोल होता है 6.023 × 10^23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी नंबर,
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोई मटेरियल है फॉर एग्जांपल, और वो मटेरियल कितना है, एक मोल है फॉर एग्जांपल, राइट। मेरे हाथ में एक मोल मटेरियल है, तो उस मटेरियल के अंदर कितने एटम होंगे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उस मटेरियल के अंदर ये 6 × 6.023 × 10^23 एटम्स होंगे, राइट। ये अगर सीखा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में तो ठीक है, रिकॉल हो गया होगा, नहीं सीखा है तो टेंशन मत करना, ये सब रेगुलर स्टडीज में अपने आने वाला है, राइट। सो फंडामेंटल और फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में हमने ये टेबल देखा। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब तीसरा टाइप था, याद करिए, हम फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने क्लासिफाई किया तब उस क्लासिफिकेशन में हमने तीन टाइप दिखाए थे, एक था फंडामेंटल, दूसरा था डिराइव्ड और तीसरा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, तो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट को समझने के लिए उसके एग्जांपल्स को समझना होता है। उसके एग्जांपल्स दो फेमस एग्जांपल है, दो फेमस एग्जांपल कौन से हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए लेफ्ट साइड आपके सामने कुछ फिगर है, उस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है ना, ये कोई बड़ा सा सर्कल होगा ऐसे, इस तरफ भी सर्कल होगा, इस तरफ भी कोई बड़ा सा सर्कल होगा, ठीक है। और ये बड़े से सर्कल का एक छोटा सा क्या है, आर्क है। और ये आर्क जो है उस सर्कल के यहाँ पे सेंटर पे मान लेते हैं कि थीटा जितना एंगल बनाता है, थीटा जितना क्या बनाता है, एंगल बनाता है, थीटा जितना एंगल बनाता है, तो ये एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। इस एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। आपने प्लेन एंगल पहले भी पढ़ा हुआ है, दो लाइन होती है या दो रेज होते हैं उसके बीच का एंगल, फॉर एग्जांपल मान लो ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये 30 डिग्री क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया प्लेन एंगल, ओके 30 डिग्री हो गया प्लेन एंगल। समझ में आया प्लेन एंगल क्या होता है। अच्छा, प्लेन एंगल को डिफाइन किया जाता है कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला से। अब देखिए वो फॉर्मूला कौन सा है, मैं यहां पे फॉर्मूला दिखाने के लिए जो भी यहां पे लिखा था मैं डिलीट कर देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे ध्यान से रख, ये एंगल है थीटा, ओके यहां पे एंगल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ अपॉन अपॉन क्या, रेडियस। बहुत ही स्लो बोल रहा हूं मैं अभी, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू टीच यू, ये आर्क अपॉन रेडियस ये उसका ट्रेडिशनल फॉर्मूला है। कुछ लोग उसको आर्क अपॉन रेडियस बोलते हैं, कुछ लोग उसको आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एंगल को मेजर करना है तो आर्क अपॉन रेडियस को, आर्क्स और रेडियस का रेशियो ले लो, तो रेशियो से क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। और इस रेशियो से जो एंगल मिलेगा, दिस एंगल ओके दिस एंगल इज ऑलवेज इन व्हाट, यूनिट्स ऑफ रेडियन। ये एंगल जो होता है ना वो हमेशा रेडियन के यूनिट में होता है, और इसलिए प्लेन एंगल का जो यूनिट का जो सिंबल है वो है रेडियन, आर ए डी रेड, रेड यानी रेडियन। समझ में आया, एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन लेंथ। और ये एंगल आप ऑलरेडी जानते हो, दो रेज के बीच में एंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये दो रेज है, ठीक है, और दो रेज के बीच में ये जो एंगल है दैट इज बेसिकली प्लेन एंगल। अब दूसरा जो आता है वो होता है सॉलिड एंगल। पहला प्लेन एंगल खत्म हुआ, अब सॉलिड एंगल की बात है। तो सॉलिड एंगल के लिए इस फिगर को देखिए, ये आपको आइसक्रीम के कोन जैसा दिखता है, ठीक है, और आपने आइसक्रीम का कोन खाया होगा, तो आइसक्रीम के कोन में सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, एक चॉकलेट होती है, याद है आप सबको, आया ना जल्दी बताओ, चलो यहाँ पे हाँ लिखना है, यस यस सर याद है याद है, ठीक है। यहां पे आइसक्रीम के कोन में सबसे नीचे एक चॉकलेट होती है, ओके यहां पे इतना एक सिलिंड्रिकल, सॉरी क्या होता है, कॉनिकल रीजन होता है, सिलिंड्रिकल नहीं होता भाई,
कॉनिकल रीजन होता है। सो इस कॉनिकल रीजन में एक चॉकलेट होती है, तो ये कौन सा एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल वो 3D एंगल है बेसिकली। इस 3D एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। 3D एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं, उसका यूजुअल सिंबल है ओमेगा, इसको ये ओम का सिंबल है, बट ग्रीक लेटर्स में उसका नाम क्या है, ओमेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, सॉलिड एंगल ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखो ये है एरिया, और ये है रेडियस। ओके, यहां से लेके ये जो है ना, ये ओबी इज अ रेडियस, OA इज ऑल्सो अ रेडियस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एरिया और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, ये क्यों कर रहे हैं, इसका यूज कहां पे होगा, वो सब आएगा अभी धीरे धीरे। देखिए अभी ये पहला लेक्चर है, अभी पहले लेक्चर में शुरुआत में कुछ चीजें ऐसी होगी जो सिर्फ इन्फो होगी आपके लिए, वो पहले इन्फो आप कलेक्ट कर लो। जैसे ही आप ये इन्फो कलेक्ट कर लेते हो, आपको समझ में आने लगेगा जब ये यूज होगा तब, राइट। तो अभी तो सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला है। और सॉलिड एंगल क्या होता है, तो मैंने बोला ना, जैसे कोन होता है, कोन में आइसक्रीम का कोन के नीचे एक चॉकलेट होती है, वो छोटी सी चॉकलेट, वो 3D एंगल होता है बेसिकली, राइट। वो जो 3D एंगल होता है, उस 3D एंगल को क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल कहा जाता है। और उस सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है भाई, एरिया अपॉन रेडियस के स्क्वायर से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया, तो फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गया, डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया, और सप्लीमेंट्री में सिर्फ अभी दो पढ़ने हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इज दैट परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम, पहले हमने क्लासिफाई कैसे किया, फंडामेंटल, डिराइव्ड और फिर सप्लीमेंट्री। अब दूसरे तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ये दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें, तो मुझे डायरेक्शन को डिफाइन करना जरूरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि चलो फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ। फॉर एग्जाम्पल चलो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन को उठाने के लिए मुझे फोर्स लगाना है, तो आप क्या बोलोगे, पेन को उठाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, लेफ्ट लगाना पड़ेगा, राइट लगाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, कैसे बताओगे आप? तो आप कॉमन सेंस से बोलोगे, सर एक सवाल हुआ आपका, डेफिनेटली अगर ऊपर उठाना है तो हमको ऊपर की तरफ ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ा, तो ऊपर की तरफ हम बोले, हमने अपने वर्ड्स में भी क्या बोला, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। मतलब जब तक आप डायरेक्शन की बात नहीं करते हो, तब तक फोर्स की डेफिनेशन अधूरी रह जाती है। पेन को उठाना है, 5 जूल फोर्स चाहिए, तो 5 जूल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में भाई, अगर मुझे उठाना है तो ऊपर की डायरेक्शन में मैं 5 जूल फोर्स लगाऊंगा, तब जाके मैं इस पेन को उठा पाऊंगा भाई, समझ में आया। तो जब तक डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, ये फोर्स का डेफिनेशन है ना, मीनिंगलेस है, समझ में आया, ये मीनिंगलेस है। तो हमको मीनिंगलेस ना होने देना हो, तो यहां पे वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन इज एक्सप्लिसिटली नीडेड, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरा आता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, तो जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जैसे मास, कोई पूछेगा सर आपका मास कितना है, मैं बोल दूंगा मेरा मास 70 किलोग्राम है,
मेरा मास कितना है 70 किलोग्राम है, तो 70 किलोग्राम को मोल दिया मतलब खत्म, बात इससे आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। कभी मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरा मास 70 किलोग्राम नॉर्थ है, मेरा मास 70 किलोग्राम ईस्ट है, मेरा मास 70 किलोग्राम साउथ है, इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ में जाऊंगा तो मास बदल जाएगा, साउथ में जाऊंगा तो मास बदल जाएगा? नहीं, मेरा मास नहीं बदलने वाला। मेरे मास को डिफाइन करने के लिए मुझे कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी हुआ। सिमिलरली टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है, राइट? तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत होती है गाइस। चलो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, देखो ध्यान से, आपने ये भी शायद अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर याद नहीं है तो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, तो हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के यूनिट को यूज करते हैं, और वो यूज करने के हिसाब से ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, अपने यूनिट्स को अलग अलग सिस्टम में क्या कर दिया है, डिवाइड करके रख दिया है। जैसे आप देख रहे हो एमकेएस सिस्टम है, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एम का मतलब क्या है, एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, और एस का मतलब है सेकेंड। और ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये जो है वो सब क्या है, लार्ज यूनिट्स है, ठीक है, लार्ज यूनिट। बड़े बड़े यूनिट को यूज करना है तो आप इसको यूज करोगे, दैट इज एमकेएस सिस्टम। अगर आप सीजीएस देखते हो तो सीजीएस में सी होता है सेंटीमीटर, जी होता है ग्राम, और एस होता है सेकंड। तो ये छोटे सिस्टम, छोटा यूनिट का सिस्टम है। देखो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट एमकेएस में आ रहा है, छोटा यूनिट सीजीएस सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्रिटिश लोग जो है वो मीटर को यूज नहीं करते लेंथ को मेजर करने के लिए, तो ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं या फुट बोलते हैं, ठीक है, फीट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फुट। तो मतलब वो फुट या फीट में डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ के लिए क्या आता है मेजरमेंट, भाई फीट आता है। जो एमकेएस में मीटर था, सीजीएस में सेंटीमीटर था, ब्रिटिश सिस्टम में वो क्या आएगा, फीट आएगा। सिमिलरली एमकेएस में मास मेजर होता था किलोग्राम में, सीजीएस में मास मेजर होता था ग्राम में, और ब्रिटिश सिस्टम में वो पाउंड में मेजर होता है, ठीक है। फिर तीनों तीन सिस्टम में, एमकेएस हो, सीजीएस हो, या फिर आप ब्रिटिश सिस्टम विच इज एफपीएस सिस्टम, वो सिस्टम ले लो, तो टाइम तो हर एक सिस्टम में क्या होता है, सेकेंड से ही मेजर होता है। समझ में आया? तो ये जो है वो पूरी सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब एक और सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इज बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, तो देखो कुछ यूनिट है ना लोकल यूनिट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने गुजरात में जमीन को मेजर किया जाता है बीघा में, इंडिया में भी, नॉट गुजरात में बट इंडिया, पूरी इंडिया में कितने बीघा जमीन है ऐसा पूछते हैं। अब ये बीघा एक यूनिट हो गया, कोई बोलेगा मेरे पास 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा इज अल्टीमेटली, बीघा इज द यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ अ लैंड, लैंड का जो एरिया का यूनिट है वो बीघा है। लेकिन अगर ये बीघा यूनिट बोल के आप कहीं यूके में चले जाओ या जर्मनी में चले जाओ या इटली में चले जाओ, अभी मत जाना, लेकिन हाँ भाई अभी मत जाना, कोरोना वाले सिचुएशन में कहीं पे मत जाना, घर पे रहना और मेरे लेक्चर्स देखते रहना। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर कहीं पे जाओ, चलो आप चले गए जर्मनी में और जर्मनी के फार्मर को मिले आप, और जर्मनी के फार्मर को मिलके आप बोलते हो मेरे वहां पे इंडिया में है ना मेरे पास 25 बीघा जमीन है। अब 25 बीघा जमीन है, वो क्या समझेगा, बीघा को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, उसको बीघा क्या होता है वो पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये बीघा एक लोकल यूनिट हुआ, वो इंटरनेशनल यूनिट नहीं हुआ। तो मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हर एक कंट्री में वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर, वो ऐसा यूनिट है। तो मतलब दुनिया में कहीं पे भी जाओ मीटर बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे, किलोग्राम बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे, सेकंड बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे, एम्पियर बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे। मतलब देर आर सर्टन यूनिट्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। तो अगर आप कोई रिसर्च करते हो और अपना रिसर्च जब पब्लिश करते हो ना,
तब उसको आपको थीसिस के फॉर्म में पब्लिश करना होता है। तो अगर आप थीसिस पूरी दुनिया पढ़े ऐसा चाहते हो तो उस पर्टिकुलर थीसिस में आप जो भी क्वांटिटी को मेजर करोगे वो क्वांटिटी के यूनिट्स आपको क्या रखने पड़ेंगे, एसआई यूनिट्स रखने पड़ेंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एमकेएस यूनिट्स और एसआई यूनिट क्या होते हैं, मैच होते हैं। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है जहां पे एमकेएस सिस्टम के यूनिट्स और एसआई के सिस्टम के यूनिट थोड़े थोड़े अलग हो जाए। सो आई होप कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, FPS व्हिच इज ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, फुट पाउंड एंड सेकंड होता है, और SI सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम। ये इसमें जो यूनिट होते हैं वो इंटरनेशनली वैलिड यूनिट्स होते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स है। अब देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक बार देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर लाइव में भी मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन को बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी जाने दूंगा। अगर क्यूरियस हो और फिर भी देखना है पढ़ना है तो आप कभी भी इस लेक्चर खत्म होने के बाद उसको पॉज करके यूट्यूब पे शांति से लाइन लाइन पढ़ सकते हो। मैं इसका बहुत ही क्विक ओवरव्यू देने वाला हूँ। ये कुछ कभी कभी कुछ चीजें होती है ना वो फ्लेवर डेवलप करती है, ठीक है, फ्लेवर डेवलप करती है। जब आप खाना खाते हो और खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है ना तो खाना खाने में और मजा आता है। अल्टीमेटली खुशबू से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है, लेकिन खुशबू क्या करती है वो उसमें फ्लेवर ऐड कर देती है, हमारा मजा क्या करती है वो दुगना कर देती है। यहाँ पे फिजिक्स में भी कुछ चीजें ऐसी है कि अगर वो आप चीजें पढ़ लो तो आपकी फिजिक्स का जो मजा है ना वो दुगना तिगुना हो जाएगा और मस्त हो जाएगा। तो ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, लेकिन एक बार देखा होगा तो समझ में ज्यादा आएगा, और जब भी समझ में ज्यादा आएगा सब्जेक्ट में मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है इसमें। देखो मीटर क्या होता है, अब मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूं यहाँ पे। मीटर क्या होता है, द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मीटर क्या है, इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन दिस मच सेकंड। देखो आप डेटा देखो वहां पे, एक सेकंड का इतना भाग, ठीक है, 2997924 58, इतने एक सेकंड को इतने पार्ट में डिवाइड कर दो और एक पार्ट जो मिलेगा उस पार्ट में लाइट वैक्यूम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक मीटर कहते हैं। तो एक मीटर आया कहां से, आप स्केल लेके बोलोगे, बहुत बहुत लंबी, आप लैब में जाओगे ना जब 11th में, तब एक मीटर लंबी, बहुत लंबी आपको एक स्केल दिखाई देगी, स्केल वो एक लंबी एक मीटर की स्केल होगी। तो आप कभी कभी, मैं जब पढ़ता था ना तब मुझे क्वेश्चन होता था कि इसको एक मीटर क्यों माने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन की रफली अगर मैं साइज देखू ना तो दैट इज अराउंड 12 सेंटीमीटर, रफली बोल रहा हूँ मैं, 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में इसकी साइज होगी इस पेन की, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया कि मान लो कि अभी मैं बोल देता हूँ 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्वेश्चन ये कर सकता हूँ 10 सेंटीमीटर इतना ही क्यों है, 10 सेंटीमीटर उससे छोटा क्यों नहीं है, 10 सेंटीमीटर उससे बड़ा क्यों नहीं है, किसने डिफाइन किया कि इसको ही हम क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, किसने डिफाइन किया कि हम इसको इतनी लेंथ को ही एक मीटर बोलेंगे। तो ये यूनिवर्सली कुछ एक्सेप्टेड सिस्टम से हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे लाइट एक सेकेंड के, देखो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको 2997924 58, एक सेकेंड के इतने टुकड़े कर दो और उतना एक टुकड़ा जो मिलेगा उतने टुकड़े में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक मीटर कहते हैं। तो एक मीटर कहां से आया, अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होता है सो वो क्वेश्चन का आंसर यहां पे है। जैसे किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, आप जानते हो। तो ये कहां से आया, एक किलोग्राम आप बाजार में जाओगे तो सब्जी वालों के पास एक किलोग्राम का वो वजन होता है, तो आप बोलोगे ना कि ये वजन एक किलोग्राम का इतना ही क्यों है, इससे बड़ा क्यों नहीं है, इससे छोटा क्यों नहीं है, व्हाट इज द रेफरेंस। तो देखो रेफरेंस का पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स जो पेरिस में है, फ्रांस के अंदर पेरिस है, पेरिस के अंदर एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट है, उसके अंदर बहुत ही प्रिजर्व करके इस एक सिलेंडर को रखा गया है। ये सिलेंडर जो है प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय है, मतलब प्लेटिनम और इरिडियम मिलके एक एलॉय है, और ये एलॉय देखो ये दो बार, एक नीचे कांच का जार है
उसके ऊपर एक दूसरा कांच का जार है और उसके अंदर दो कांच के जार के अंदर ये जो है अपना क्या किया गया है, प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, दुनिया में जितने भी एक किलोग्राम बनेंगे वो सारे एक किलोग्राम किसके कॉपी होंगे, तो कि इस पर्टिकुलर चीज के कॉपी होंगे जो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका, ये जो देख रहे हो ना स्क्रीन पे, दुनिया के जितने भी वन किलोग्राम अभी आप देखोगे ना सब्जी वालों के पास, ये प्रोविजन स्टोर वालों के पास, या कोई भी जगह पे, राइट, उसके सारे एक एक किलोग्राम जो भी आपने लाइफ में देखे हैं वो सारे एक एक किलोग्राम इसकी कॉपी है, इसके ऊपर से वो बनाए गए हैं, राइट। तो ये दो डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी यहाँ पे सेकंड की डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कूलम क्या होता है, कैंडेला क्या होता है, कैल्विन क्या होता है, मोल क्या होता है, इस सब की स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे के रखी हुई है, राइट। इसको आपको थोड़ा बीच में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं थोड़े से फोटोग्राफ को ऊपर नीचे कर देता हूं यहाँ पे, सो दैट यू विल बी एबल टू रीड द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। चलो, इसका मतलब यहां से आप शांति से एक बार इसको पढ़ना, कभी भी इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद या अभी भी पॉज करके पढ़ना है तो पॉज करके एक बार देख लेना, इस जस्ट एन इन्फो, ये मैगजीन पढ़ते हो ना वैसे पढ़ लेना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब यहां से मेन चीज चालू होती है, व्हाट इज यूनिट, ये एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होता है, तो देखते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास है किलोग्राम में मेजर होता है तो किलोग्राम इज अ यूनिट, लेंथ है वो मीटर में मेजर होती है तो मीटर इज अ यूनिट, ठीक है, टाइम सेकंड में मेजर होता है तो सेकंड इज अ यूनिट, समझे आप यूनिट क्या होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजर होता है उस स्टैंडर्ड मेजर को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। चलिए, यूनिट कैसा होना चाहिए, यूनिट की भी कुछ प्रॉपर्टी, कोई भी यूनिट नहीं ले सकते। मैंने आजू बाजू कोई बच्चा खेल रहा है उस बच्चे का नाम चिंटू है और मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम रख दिया चिंटू, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते अपने, ऐसे वैसे कोई भी यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते, उसको डिफाइन करने का कोई प्रॉपर तरीका होता है, तो वो तरीका क्या है उसके ऊपर से हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। और वो प्रॉपर्टी नंबर वन, मेजर ऑफ यूनिट शुड बी डेफिनेट एंड अनएम्बिग्यूअस, डेफिनेट मतलब फिक्स होना चाहिए, किलोग्राम मतलब आप जानते हो 1000 ग्राम इस किलोग्राम, राइट, वो फिक्स है, आज 1000 ग्राम है तो परसों 5000 ग्राम नहीं हो जाएगा, कल 2 ग्राम में मतलब नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ही रहने वाला है वो हमेशा, मतलब वो डेफिनेट वैल्यू है, तो उसका मतलब हम यूनिट कह सकते हैं, वो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, एम्बिग्यूअस मतलब परेशानी पैदा ना करे, कंफ्यूजन पैदा ना करे, ऐसा होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए और कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, यूनिट शुड बी सच दैट इट मेजर शुड नॉट चेंज एंड इफ इट इज डिफाइंड विद द स्पेसिफिक फिनोमिनन द फिनोमिनन मस्ट बी परमानेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यहां पे मैं पीछे ले जाता हूं इसको समझाने के लिए थोड़ा, चलो अभी हमने यहां पे देखा कि 1 मीटर का डेफिनेशन था, राइट, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से हमको क्या पता चला कि लाइट इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं, राइट। तो मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने दी ना वो परमानेंट डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि इतने ही टाइम में आज लाइट 1 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो आज से कुछ 50-100 साल के बाद लाइट का जो 1 मीटर ट्रैवल कर, ये डिस्टेंस जो होगा इतने टाइम के अंदर ट्रैवल करने वाला वो 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा या कम हो जाएगा, राइट, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब ये जो हमने 1 मीटर डिफाइन किया है ना वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि आज जितना डिस्टेंस 1 मीटर मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से, आज से 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद भी आपको क्या मिलेगा, यही डिस्टेंस मिलेगा इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, एक फिनोमिना को यूज किया, कौन से फिनोमिना को, क्योंकि लाइट के ट्रैवल के फिनोमिना को मैंने यूज किया, तो ये फिनोमिना मैंने ऐसा चूज किया है जो परमानेंट है, समझ में आया। ऐसा वैसा नहीं है कि आज फिनोमिना हुआ कल नहीं होगा तो फिर कल दूसरी डेफिनेशन ढूंढेंगे, ऐसा नहीं। डेफिनेशन जब बनाते हो तब आपको ध्यान रखना है कि वो डेफिनेशन में जो फिनोमिना आप चूज करते हो वो फिनोमिना क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर द प्रोटोटाइप ऑफ यूनिट मस्ट बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल, उसका प्रोटोटाइप इजिली मिल जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटर का प्रोटोटाइप है सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
किलोमीटर, तो मीटर के आगे सेंटी लगा दिया, क्या हो गया, सेंटीमीटर बन गया, मीटर के आगे किलो लगा दिया, किलोमीटर बन गया। तो ये सब प्रोटोटाइप है, मतलब आपका यूनिट ऐसा होना चाहिए जो यूनिट के अंदर आप उसका प्रोटोटाइप इजीली बना सको, ठीक है। तो ऐसी तीन कंडीशन अगर आप देख लो, कोई भी चीज जो तीन कंडीशन को फॉलो करती है, ऐसी कोई भी चीज को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं गाइस। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना, हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ना, वो यहां पे है। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या, देखो मैं फिजिकल क्वांटिटी यहां पे क्या है, मास है। देखो ये मास मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी है मास, ठीक है। उसको मैंने 3 किलोग्राम दिया, तो ये जो 3 है ना वो क्या है, तो ये 3 जो है वो है नंबर वैल्यू, और ये जो किलोग्राम है वो क्या है, किलोग्राम उसका यूनिट है। तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी मास को कैसे डिफाइन किया, तो कि प्रोडक्ट किया, किसका प्रोडक्ट किया, तो कि नंबर वैल्यू का और यूनिट का। सिमिलरली देखो यहां पे लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये नंबर वैल्यू इसकी क्या है, 10, और उसका यूनिट है सेंटीमीटर। तो मतलब 10 और सेंटीमीटर का प्रोडक्ट किया और मुझे क्या मिला, फिजिकल क्वांटिटी मिला। दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो इसी तरह से डिफाइंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे पूछे कि टाइम कितना हुआ है, तो मैं टाइम की वैल्यू बोलता हूं कि टाइम हुआ है बेसिकली 25 सेकंड। तो ये 25 क्या हुआ, नंबर वैल्यू हुआ, और ये सेकंड क्या हुआ, उसका यूनिट हुआ। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप उसके नंबर वैल्यू और उसके यूनिट के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप हमेशा उसको लिख सकते हो। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है, उसका मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल को, इसको देखो जरा ध्यान से। इस एग्जांपल में क्या लिखा है मैंने, फिजिकल क्वांटिटी है मास, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 किलोग्राम है, और उसको 3 किलोग्राम को मैं 3000 ग्राम भी लिख सकता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे 3 किलोग्राम वो अपना मास है, और 3000 ग्राम वो भी क्या है, अपना मास ही है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बोलो अलग है या सेम है, जल्दी से बोलो, चलो जल्दी से टाइप करके मुझे बताओ, अलग है या सेम है, जल्दी से, ठीक है, सेम है कि नहीं, 3 किलोग्राम बोले या 3000 ग्राम बोले, वो दोनों एक ही होता है, अलग नहीं होता है। लेकिन यहां पे अलग क्या हो गया, 3 किलोग्राम में नंबर वैल्यू क्या है, 3, और यूनिट है किलोग्राम। फिर 3000 ग्राम में नंबर वैल्यू कितनी है, 3000, और यूनिट क्या है, ग्राम। तो मतलब आप नंबर वैल्यू को चेंज करो तो अपने आप क्या हो जाता है, यूनिट चेंज हो जाता है, और नंबर वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के साथ इस तरह से चेंज होते हैं सो दैट वो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, चलो इसको उसके लिए मैं थोड़ा रब कर देता हूं यहां पे, लेट मी गिव यू क्विक एग्जांपल फॉर द सेम, एक दो एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो मैं लेता हूं लेंथ, ठीक है, लेंथ कोई चीज है, उसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल 10 मीटर, कोई चीज है उसकी लेंथ है 10 मीटर। अच्छा मैं ये एमकेएस यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, भाई मीटर है इसलिए एमकेएस यूनिट हुआ, क्योंकि मीटर किलोग्राम और सेकंड अगर कहीं पे भी आते हैं तो ऐसे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, एमकेएस यूनिट बोलेंगे। तो ये MKS यूनिट है, चलो मैं इसको CGS में कन्वर्ट करता हूं। मीटर का मैं क्या कर देता हूं भाई, सेंटीमीटर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा CGS। अच्छा तो मैं देखो मैंने मीटर से सेंटीमीटर कर दिया, तो मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा यहां पे, चलो जल्दी से मुझे सोच के बताओ, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर जो होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा भाई, बोलो जल्दी से
जल्दी से टाइप करो, इंटरेक्ट करो भाई, तो वो होगा 1000 सेंटीमीटर, है ना। 10 मीटर जो होगा वो क्या बन जाएगा, 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये लेंथ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये लेंथ और ये लेंथ एक ही लेंथ है, अलग अलग तो है ही नहीं, इसलिए L को मैं 10 मीटर भी बोल सकता हूं, 1000 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो जरूर ध्यान से देखना, 10 क्या है तो कि नंबर वैल्यू 1, मीटर क्या है तो कि यूनिट नंबर 1, फिर 1000 क्या है तो कि नंबर वैल्यू 2, सेंटीमीटर क्या है तो कि यूनिट नंबर 2। तो मुझे यहां से क्या मिला, N1U1 is equal to N2U2। और देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में मैंने क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा है, और इक्वल टू लिखा है इसलिए मैं क्या रहता हूं, कांस्टेंट। मैंने सिर्फ क्या किया, यूनिट बदल दिया, यूनिट बदल दिया तो उसके साथ नंबर वैल्यू बदल गई, लेकिन उससे अपने ओरिजिनल जो लेंथ है वो बदली। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से इस पेन की बात करते हैं, इस पेन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस पेन की लेंथ है कितनी, 10 सेंटीमीटर। चलो मैं यहां पे लिखता हूं पेन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जानते हो कि सेंटीमीटर होता है उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, याद नहीं है तो अपनी स्केल निकालो, कंपास बॉक्स है उसमें देखो, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे 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 डिवीजन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि 10 मिलीमीटर मिला दो तब जाके 1 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, 100 मिलीमीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना भाई, जल्दी से बोलो कैसे लिखा मैंने ये, कैसे लिखा मैंने ये। चलो देखो ध्यान से, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, और क्या हो गया, 10 × 10 क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 मिलीमीटर आ गया। अच्छा तो देखो मैंने पहले क्या बोला था, इस पेन का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस पेन का लेंथ कितना है, 100 मिलीमीटर, लेकिन लेंथ तो वही है ना, मैंने बोला अलग, ठीक है, मैंने बोला अलग तरीके से, यूनिट बदल दिया, वैल्यू बदल दी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो तो लेंथ क्या रही, कॉन्स्टेंट रही कि नहीं रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कॉन्स्टेंट होती है। तो इसके ऊपर से हम जनरल फॉर्म में इतना लिख सकते हैं, देखो यहां पे N1U1 is equal to N2U2 is equal to क्या, कांस्टेंट, समझ में आया। देखो यहां पे भी N1U1 is equal to N2U2 हम लेके आए कि नहीं आए, एकदम क्लियर हुआ भाई कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से मुझे बताओ। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल है और, मान लो मैं जॉगिंग करने गया, अभी नहीं जाने वाला, लेकिन मैं जॉगिंग करने के लिए गया और जॉगिंग करके मैं वापस अपने घर पे आ गया, और मैंने देखा कि मैंने जॉगिंग कितने टाइम तक किया हुआ है, तो वो टाइम मुझे पता चला कि मैंने 0.5 आवर जॉगिंग किया, 0.5 आवर जॉगिंग किया, ठीक है ना, मैं दौड़ता दौड़ते आधे घंटे के अंदर मैं वापस आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे फैमिली में से किसी नेबर ने मेरे फैमिली मेंबर को पूछा, यार प्रणव सर कितना जॉगिंग करके आए, तब मेरे फैमिली में से किसी एक ने ऐसा रिप्लाई दिया कि प्रणव सर है ना 30 मिनट जॉगिंग करके आ गए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या देखा, मैंने आधा घंटा जॉगिंग किया और मेरे फैमिली मेंबर ने बोला कि प्रणव सर ने 30 मिनट तक जॉगिंग किया। तो मुझे बताओ ये दोनों आंसर, मेरा आंसर और मेरे फैमिली मेंबर का आंसर, ये आंसर सेम आया या अलग आया, जल्दी से बताओ, सेम आया कि नहीं आया। तो प्रणव सर का जो आंसर था वो T1 और मेरे फैमिली मेंबर का जो आंसर था वो है T2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T1 is equal to T2, ये दोनों एक ही हुए। अगर ऐसा बोल सकता हूं तो 0.5 आवर और 30 मिनट्स वो दोनों एक ही हुए।
तो 0.5 को मैं N1 बोल सकता हूं, आवर को U1 बोल सकता हूं, 30 को N2 बोल सकता हूं, मिनट को क्या बोल सकता हूं, U2 बोल सकता हूं। समझे कि नहीं समझे भाई? तो मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि N1 U1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? तो यहां से क्या पता चलेगा कि N1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन U1। समझे कि नहीं समझे? N1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन U1। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि N जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन U, क्योंकि कॉन्स्टेंट आप रिमूव करो तो क्या करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी रखना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी जानते हो ना, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने से कॉन्स्टेंट आता है, और कॉन्स्टेंट को निकाल दो तो आपको क्या करना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिखनी होती है। तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी वाले स्ट्रक्चर से देखूं तो आई कैन से कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। समझ में आया? वेयर N इज अ वैल्यू एंड U इज द यूनिट। अब मजेदार बात देखो, N यानी वैल्यू, एक मिनट हाँ गाइस, चलो मैं यहां ऊपर जो जगह खाली है ना उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। N यानी वैल्यू और U यानी यूनिट, N यानी वैल्यू और U यानी यूनिट। चलो वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यूनिट क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो? वैल्यू को बढ़ा दो तो यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल अभी आपके स्क्रीन पे ही है, देखो यहां पे अगर ग्राम से वैल्यू को बढ़ा दिया, देखो 3 से क्या कर दिया, वैल्यू को 3000 कर दिया, 3 से 3000 कर दिया, तो वैल्यू बढ़ गई, तो यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम से क्या हो गया, ग्राम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यूनिट को बढ़ाओ तो क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है। तो वो यहां पे कोई भी एग्जांपल ले लो दिख जाएगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ही ले लेते हैं, T1 इज इक्वल टू T2 वाला जो हमने लिखा है ना उसको ले लेते हैं। देखो यहां पे हम क्या करते हैं, यूनिट को बढ़ाते हैं, मानी यूनिट को बढ़ाया मतलब मीटर से मैंने क्या कर दिया, आवर कर दिया ना, बड़ा यूनिट ले लिया। तो देखो वैल्यू का क्या हो गया, 30 से क्या हो गया, 0.5 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो यूनिट को मैंने बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और वो क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन में होते हैं। आई होप कि इट इज वेरी मच क्लियर गाइस, राइट? समझ में आया? जल्दी से समझ में आया तो मुझे रिप्लाई करो, जितना रिप्लाई करोगे उतना एनर्जी मेरा बढ़ेगा यार। इंटरेक्शन रखो मेरे साथ, यू हैव टू इंटरेक्ट एवरी टाइम, ठीक है? यू हैव टू इंटरेक्ट, कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन पूछो, आई विल रिप्लाई इमीडिएटली, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी अबाउट दैट। सीखना है, समझना है, टेंशन नहीं लेना है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिजिक्स है ना, जो लोग फिजिक्स पढ़े नहीं है ना वही लोग ज्यादा बोलते हैं कि फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, अपने ये लेवल की बात है। कोई लोग अपने आपके फैमिली में बोलते होंगे यार JEE तो बहुत डिफिकल्ट होता है, JEE की एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होती है, IIT की एग्जाम डिफिकल्ट होती है। तो आप सिर्फ जो भी ऐसा बोल रहा है ना उसको एक बार पूछो कि आपने JEE का एग्जाम दिया है, तो वो सामने वाला रिप्लाई करेगा हाँ या ना। अगर हाँ बोलता है तो फिर ठीक है, उसके पास से थोड़ा सलाह लेने लायक कोई बंदा है वो या कोई इंसान है वो, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम दिया ही नहीं है तो जिसने कभी प्रिपरेशन नहीं की है, जिसने कभी एग्जाम दिया नहीं है और वो बोलेगा कि वो डिफिकल्ट है या इजी है, तो उसके ओपिनियन पे कभी बिलीव मत करो, ठीक है। मैं बरसों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपके आजू बाजू भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिजिक्स पढ़े होंगे, उसके पास जाके आप अपना ओपिनियन पूछो तब जाके आपको सही ओपिनियन मिलेगा। फिजिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स होता है, बचपन से आपको बोला जाता है कि मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी जाके मैथ्स में पकड़ आती है, तो फिजिक्स को भी क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से पकड़ आती है गाइस, समझो। तो एक बार कंसेप्चुअली सीख लो सब कुछ पहले, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करो, पकड़ अपने आप आएगी, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। मेजोरिटी वही लोग ऐसा बोलते हैं कि जो फिजिक्स नहीं पढ़े होते हैं, राइट? याद रखना इसको। अभी आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे क्या करना है, ये हमने देख लिया ये सब, अभी इसकी बात है आगे। देखिए हम अभी यूनिट्स को क्रिएट करने वाले हैं। अब तक तो क्या है, आपने यूनिट्स रट्टा मारे हुए हैं, रट्टा मारे हुए हैं मतलब क्या कि भाई चलो मास है तो किलोग्राम ही होता है, लेंथ है तो मीटर ही होता है,
फिर टाइम है तो सेकंड ही होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हम याद रख सकते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट को हम याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो यूनिट को याद नहीं रखना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू जस्ट रिमेंबर अ यूनिट, तो कुछ नहीं करेंगे, यूनिट बनाएंगे अपने, ठीक है, यूनिट अपने बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको सीखना है, एंड दैट इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कुछ चीजें पूछी जाती है तो सबसे ज्यादा ये जो टॉपिक है मैं जो करवा रहा हूं वही पूछा जाएगा। ध्यान से आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% मुझे यहां पे चाहिए गाइस। देखो ध्यान से, यहां पे आगे बढ़ने से पहले यहां पे जो नोटेशंस लिखे हैं उसको जरा देख लो। हम इस नोटेशंस को यूज करने वाले हैं, एम यूज करेंगे मास के लिए, एल यूज करेंगे लेंथ के लिए, टी यूज करेंगे टाइम के लिए, ए यूज करेंगे करंट के लिए, के यूज करेंगे टेम्परेचर के लिए, थीटा को यूज करेंगे एंगल के लिए, ठीक है। इतना डेटा, इतना सिंबल हम यूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे अब आइए देखते हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल राइट नाउ। ये टेबल आप सबको दिख रहा होगा, इसमें मैं टेबल में डेटा भरने वाला हूं, ठीक है। आप सबको भी मेरे साथ डेटा भरना है, आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, तब तक मेरा भी क्या हो जाएगा, बोलने वाला जो काम है वो थोड़ा कम कर देता हूं मैं। आप जल्दी से अपने पास जो नोट पेन लेके बैठे हुए हैं वो लोग ये टेबल को जस्ट रफ में जल्दी 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 बना लें, जल्दी जल्दी रफ में इस टेबल को बना लें, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर दैट, आई एम वेटिंग फॉर दैट, कोई बात नहीं, उस उतने टाइम के लिए मैं वेट करता हूं। जल्दी से बना लीजिए टेबल को, ये जो से टेप सब कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऊपर की जो रो है ना, पहली रो वो बनानी है और वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। अपने पेज के दोनों साइड को यूटिलाइज कीजिए, आपका अगर फेयरबुक है तो फेयरबुक ओपन करो, और फेयरबुक ओपन होते ही लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पेज आएगा, उस दोनों साइड के पेज को यूज कीजिए। I'm waiting, don't worry, बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, जो भी लोग बना रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी वन है, बहुत ही इजी, समझ में आ जाएगा सबको। चलिए शुरू करते हैं, आई होप कि जल्दी जल्दी इतना तो बना लिया होगा। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम। मास का सिंबल होता है स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ, फंडामेंटल है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ। मास वेक्टर है या स्केलर है, तो डेफिनेटली वो स्केलर क्वांटिटी है। मास का एमकेएस यूनिट क्या होगा, तो क्या किलोग्राम होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो क्या ग्राम होगा। अब डाइमेंशंस की बात करनी है, जब भी डाइमेंशंस लिखना हो ना तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले एम लिखना है, एल लिखना है, टी लिखना है, ऐसे लिख देना है पहले, ऐसे पहले लिख देना है, फिर क्या करेंगे देखो ध्यान से। हाँ अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में कुछ देखा था, देखो मास के लिए क्या होता है भाई, एम होता है ना, मास के लिए क्या होता है, एम होता है। तो यहां पे अपने पास क्या है, मास है, मास के लिए क्या होता है, एम होता है। तो मास के लिए एम है, तो एम के ऊपर मैं क्या करता हूं, वन करता हूं, ठीक है। बाकी दोनों जगह पे मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ऐसा कैसे किया, थोड़ी देर के बाद अभी भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। टाइम की बात करते हैं, टाइम टी है या फिर कैपिटल टी से, टाइम इज अगेन अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसका एमकेएस और सीजीएस यूनिट दोनों क्या होता है, सेकंड होता है। और यहां पे देखो फिर से हमको क्या करना है, एम एल टी लिखना है। देखो टाइम को डिनोट किया जाता है टी से, तो हम क्या करेंगे, टी पे वन करेंगे, टी का पावर लेंगे वन, और बाकी के दोनों पावर पे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, सिर्फ आप देखो क्या हो रहा है, जस्ट यू ऑब्जर्व कि यहां पे क्या हो रहा है। फिर डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए डी होता है लेंथ के लिए, एल होता है, स्मॉल एल होता है, एस होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, एच होता है, ये बहुत सारे ऐसे सिंबल यूटिलाइज किए जाते हैं डिस्टेंस या लेंथ को डिफाइन करने के लिए। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है।
उसका MKS यूनिट होता है मीटर, और CGS यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर। फिर से क्या लिखोगे, M, L और T लिखोगे। चलो अब मैं किसके ऊपर वन करूं, M के ऊपर वन करूं, L के ऊपर वन करूं या T के ऊपर। M इज मास, L इज लेंथ, T इज टाइम। जल्दी से मुझे बोलो, चलो जल्दी से, आई वॉन्ट योर रिप्लाई। किसके ऊपर मैं वन करूं? यस, L के ऊपर वन करना है, और बाकी दोनों जगह पे क्या कर देना है, जीरो कर देना है। ठीक है, बाकी दो जगह पे मुझे जीरो कर देना है। फिर डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका सिंबल होता है R या S, ठीक है, या फिर L। मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशन में R, S और L, ये तीन लेटर यूज होते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो पॉइंट के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए अगर आप बोलो कि आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, तो अगर आप बाय रोड जाओगे तो रोड क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो मतलब ओवरऑल जो आपने डिस्टेंस कवर करोगे वो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अहमदाबाद से आप प्लेन में चले गए दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली का आपने प्लेन ले लिया, तो प्लेन क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और याद रखो, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, वो कोई भी डायरेक्शन में नहीं होता। उसकी कोई डायरेक्शन जो भी होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही आपको क्या मिलता है, शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। और उसकी वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके लिए डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, मीटर सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज अल्टीमेटली लेंथ की कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में आएगा, तो मैं यहाँ पे L1 करता हूँ, T को जीरो करता हूँ, M को जीरो करता हूँ। चलिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो है स्मॉल I या फिर कैपिटल I। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ क्या इंटरेस्टिंग है। उसका MKS यूनिट होता है एम्पियर, उसका CGS यूनिट हम डिफाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए CGS यूनिट को हम डिफाइन नॉर्मल तरीके से नहीं किया जाता है, और वो तरीका थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल नहीं है। अभी आपके लिए नहीं है, मतलब आपके जो लेवल पे वो सीखने के लिए वो चीज नहीं है। फॉर नाउ जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ MKS वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, राइट। अब करंट देखते हैं, M करना है, L करना है, T करना है। तो M इज मास, करंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जीरो। L इज लेंथ, करंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जीरो। T इज टाइम, करंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जीरो। ठीक है, तो करंट को क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके आगे वाली स्लाइड में देखिए। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है भाई, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए है A। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, यहां पे A1 कर देना पड़ेगा, A1 समझ में आया। अब यहां पे रिमेंबर क्या है, तो के रिमेंबर करना है, देखो ये करंट जो है ना वो स्पेशल क्वांटिटी है। दिस इज द क्वांटिटी, विच हैज डायरेक्शन बट इट्स स्केलर। ये करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन हम दिखाते हैं ना सर्किट में, तो उसकी डायरेक्शन है, फिर भी क्या है, ये स्केलर है। ऐसा क्यों भाई, आएगा, हम आगे जाके वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि करंट की डायरेक्शन है फिर भी वो स्केलर क्यों है। ओके, उसके बाद टेम्परेचर आया। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर को टी से या थीटा से डिनोट किया जाता है। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उसका केल्विन यूनिट होता है, क्या इसका सीजीएस यूनिट नहीं होता है। और यहां पे एम जीरो आएगा, एल जीरो आएगा, टी जीरो आएगा, लेकिन के वन आएगा। मैं के वन क्यों कर रहा हूं, एम इज मास,
मास केल्विन को रिप्रेजेंट नहीं करता, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेंथ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करती, टी टाइम है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए टेम्परेचर के लिए क्या लिया हुआ है, के लिया हुआ है, राइट। सो के लिया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबॉल यूज होता है वो है के, और मैंने क्या किया, के के ऊपर वन लगा दिया। देखो ये बेसिक चीजें हमने देखी यहाँ पे। अब आपको इसके आगे समझ में आएगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले बात आती है स्पीड की। स्पीड होता है वी, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अब ये डिस्टेंस और टाइम ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से बनती है। कौन सी क्वांटिटी, स्पीड। तो स्पीड दो अलग दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बनती है, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है भाई। और फंडामेंटल नहीं है तो कौन सी है भाई, ये डिराइव्ड है, क्योंकि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके ये बनी है, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड वो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का यूनिट होता है क्या। तो अब इसका यूनिट हमको डिराइव करना है। देखो कैसे डिराइव करते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड कैसे डिराइव किया जाता है, ध्यान से देखना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो के डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अब देखो वी यानी स्पीड है, अब ध्यान से देखो v यानी स्पीड है और उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा ध्यान से देखो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, तो वो होगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, तो के मीटर होता है, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट ऑफ स्पीड मिल गया मुझे क्या, मीटर पर सेकंड। अब सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, मीटर का कन्वर्जन होगा सेंटीमीटर में, सेकंड का कन्वर्जन होगा सेकंड में ही, क्योंकि सेकंड का तो सेकंड ही रहता है। समझ में आया, देखो मैंने फॉर्मूला को यूज किया और फॉर्मूला को यूज करके मैंने यहां पे क्या किया है, यूनिट की डेरिवेशन की हुई है। कैसे यूनिट बनाते हैं, मैंने बोला था हम यूनिट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम ये देख रहे हैं। चलिए अब क्या है, डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशन में देखो मीटर, मीटर अपने क्या लिख देना है, मैंने जैसे पहले सिखाया था एम एल और टी तो लिख ही देना है। अब मीटर, मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को देखो, अब आपको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट को देखना है। यूनिट में क्या आया, मीटर आया। अच्छा मीटर आया, मीटर आया तो मीटर होता है लेंथ, तो लेंथ के ऊपर क्या करेंगे, वन, ठीक है। देखो मीटर पर सेकंड, मीटर क्या दिखाता है, लेंथ दिखाता है, फिर सेकंड क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, तो नीचे आएगा टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं L1 अपॉन T1, और ये पावर वन है बेसिकली, इसका पावर है वन। तो L1 और फिर क्या करेंगे T माइनस वन, ऐसा लिख पाएंगे L1 अपॉन T1 यानी L1 इंटू T माइनस वन। एम की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। समझ में आया ये कैसे किया मैंने, ये देखना है, ध्यान से देखो मीटर अपॉन सेकंड को मैंने क्या किया, मीटर इज लेंथ तो मीटर की जगह पे l1 किया, सेकंड इज टाइम तो टाइम की जगह पे मैंने क्या किया, t1 किया, तो l1 अपॉन t1 मुझे मिला। तो आप जानते हो अगर पावर नीचे की तरफ है, अगर नीचे की तरफ अगर पावर 3 है तो उसको अगर ऊपर की तरफ ले जाए तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पता है ना। तो बस उसी लॉजिक को देख के 1 अपॉन t1 को मैंने क्या कर दिया, t रेस टू माइनस 1 कर दिया। समझ में आया ये कैसे आया, ये डायमेंशंस m0 l1 और t1। चलो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों से मिलके ये फिजिकल क्वांटिटी बनती है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। फिर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर,
और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और देखो ध्यान से, मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एल वन अपॉन टी वन आएगा, और एल वन अपॉन टी वन मतलब क्या होता है, एल वन टी माइनस वन। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था, एम जीरो लिखेंगे, एल वन लिखेंगे, टी माइनस वन लिखेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो सिर्फ फॉर्मूला देखो और पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। अगर अभी भी यहाँ पे समझ में नहीं आया है अगर, तो इसके आगे वाले दो प्रॉब्लम है उसमें समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे समझते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे डिनोट किया जाता है। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, मोमेंटम का सिंबल है पी, और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अब देखो मास और वेलोसिटी से मिलके मोमेंटम बनता है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो यूनिट बनाना है, ठीक है, मोमेंटम का यूनिट कैसे बनाएंगे। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। चलो मास क्या होता है भाई, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे मोमेंटम का यूनिट बन गया, क्या बन गया, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये उसका यूनिट हो गया। अब सीजीएस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, तो इसका सीजीएस यूनिट भी बन गया। अब देखो यहां पे ध्यान से, डायमेंशंस के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मास, किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए किलोग्राम की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, एम वन। फिर मीटर है, मीटर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो एल वन। सेकेंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टी वन। तो बचा क्या, देखो यहाँ पे एम वन बचा, फिर एल वन बचा, और टी वन नीचे है, टी वन कहाँ पे है, नीचे है। नीचे से अगर उसको ऊपर लेके आए, नीचे से अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूं, तो क्या हो जाता है, टी वन का टी माइनस वन हो जाएगा, और हम डायमेंशंस क्या लिखेंगे, एम वन एल वन और टी माइनस वन, एम वन एल वन और टी माइनस वन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर गाइस। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अल्टीमेटली इट इज बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, अल्टीमेटली इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी और टाइम दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज से बनता है, तो फंडामेंटल नहीं है ये, फंडामेंटल नहीं है तो क्या है भाई, तो ये डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। चलो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन हुआ, तो कि वेलोसिटी से और टाइम से, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, हमने अभी देखा। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका मतलब ये यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, मीटर अपॉन सेकंड के नीचे डिनोमिनेटर में एक और सेकंड, तो सेकंड सेकंड मिलके क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सीजीएस में कन्वर्ट करो, मीटर का सीजीएस में कन्वर्जन करोगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा। और नीचे क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। चलो अब इसका यूनिट देखो ध्यान से, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो L1। सेकंड स्क्वायर जो है वो टी को रिप्रेजेंट, सेकंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सेकंड की जगह पे मैं टी लिखूंगा और नीचे आएगा टू। और जब भी ये टी रेस टू टू वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल वन रहेगा और टी क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो अगर मैं एम एल टी अगर लिखूं तो टी के ऊपर माइनस टू आएगा, एल के ऊपर वन आएगा, और एम के ऊपर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, याद रखना है ये।
अब इस पर्टिकुलर चीज में हमको एक याद रखना है, क्या याद रखना है कि मोमेंटम के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, बस इतना याद रखना है। समझ में आ रहा है डायमेंशंस कैसे बनाते हैं? हम अभी क्या कर रहे हैं, यूनिट और डायमेंशन दोनों को बना रहे हैं, समझो बना रहे हैं, ठीक है। हम याद नहीं रख रहे हैं, रट्टा नहीं मान रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं कुछ। फोर्स, फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का सिंबल होता है एफ, और फोर्स को डिफाइन किया जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो अगेन मास और एक्सेलरेशन दोनों से बनता है फोर्स, तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स की डायरेक्शन जरूरी होती है तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या होगा? तो देखो ध्यान से, अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा? तो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स का यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक निकनेम दिया हुआ है और लोग उसको बोलते हैं 1 न्यूटन। मतलब उसका एमकेएस यूनिट हो जाएगा न्यूटन। लेकिन न्यूटन क्या होता है? तो कि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या न्यूटन लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा पहले, देखो यहां पे, यहां पे मैंने न्यूटन लिखा, लेकिन यहां पे साथ साथ में बोल दिया कि न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, अब इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका भी कोई निकनेम है। इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम है डाइन। देखो डाइन है, डायन नहीं है, इट्स डाइन। तो इसका निकनेम है डाइन। तो इसका मतलब क्या है? डाइन क्या होता है? तो कि डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर, राइट? ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, हम डायमेंशन बनाने जा रहे हैं। डायमेंशन कैसे बनता है? तो देखो हमारा यूनिट क्या है, यूनिट से ही डायमेंशन बनता है। यूनिट है कितना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए m1। फिर मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए l1। फिर सेकंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पे t2। और जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m1, l1 और t माइनस 2 हो जाएगा। m1, l1 और t क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका डायमेंशन हुआ। देखो भाई समझ में आ रहा है डायमेंशन कैसे बनता है, ठीक है। यहां पे प्रैक्टिस करनी है। एक से समझ में नहीं आया, दूसरा करो। दूसरे से नहीं आया, तीसरा करो। तीसरे से नहीं आया, चौथा करो। चार पांच करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसलिए ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क फोर्स और डिस्टेंस दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज से बनता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, वर्क का यूनिट निकालते हैं। तो हमने अभी देखा वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां से वर्क का यूनिट क्या निकलेगा? जस्ट अ मिनट गाइस, यहां से वर्क का यूनिट क्या निकलेगा? चलो, तो फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया?
वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर, तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, न्यूटन इंटू मीटर लिखना चाहिए। ठीक है, और यहां पे क्या, न्यूटन का सीजीएस होता है डाइन और मीटर का सीजीएस होता है सेंटीमीटर। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, इस न्यूटन इंटू मीटर का भी एक निकनेम है, उसका निकनेम क्या है, जूल। मतलब न्यूटन और मीटर को हम क्या, न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। मतलब जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। और सिमिलरली ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसका सीजीएस वर्जन जो है, न्यूटन का सीजीएस क्या हो जाएगा डाइन, मीटर का सीजीएस क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये इसका जो सीजीएस वर्जन है वो कौन सा है भाई, उसका निकनेम क्या है, अर्ग है, अर्ग। तो हम क्या करेंगे, अर्ग इज इक्वल टू डाइन इंटू क्या करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे। तो हम यहां पे डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पे न्यूटन इंटू मीटर और डाइन इंटू सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, यहां पे हम जूल लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, अर्ग लिखेंगे। समझ में आया, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूटन इंटू मीटर ही आता था, लेकिन न्यूटन इंटू मीटर को नाम दे दिया हमने जूल। फिर सिमिलरली यहां पे क्या आता था, डाइन इंटू सेंटीमीटर ही आता था, लेकिन हमने नाम दे दिया क्या, अर्ग। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो चलो डायमेंशन निकालते हैं। जूल है यूनिट, यूनिट जूल है, मतलब क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है। अब जरा ध्यान से देखो, न्यूटन क्या है, तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, हुआ कि नहीं। इस फॉर्मूला से देखो, मैंने जो यहां पे दिखाया है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, इस न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया, पीछे एक मीटर तो है ही, तो क्या हो गया, देखो एक मिनट, तो देखो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया, समझे कि नहीं समझे। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। चलो किलोग्राम मतलब m1, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है l1, और नीचे सेकंड स्क्वायर है तो क्या आएगा t2 आएगा, और जब ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा, m1 मिलेगा, l2 मिलेगा और t-2 मिलेगा। समझे कि नहीं समझे, ये हो गया डायमेंशन किसका, वर्क का। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी एनर्जी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल फेमस फॉर्मूला है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसका यूनिट बनाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम जो हाफ का कोई यूनिट नहीं होता, देखो कॉन्स्टेंट जो नंबर होता है ना, कॉन्स्टेंट नंबर कभी भी फॉर्मूला में आ जाए तो उसके यूनिट्स नहीं होते हैं। तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। फिर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहां पे तो स्क्वायर है तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इससे क्या मिला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर मिला। ठीक है, चला ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं वो, उसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया है, मीटर स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखो, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये तो न्यूटन है कि नहीं। पीछे वाली स्लाइड देखो जरा ध्यान से, पता चल जाएगा। देखो यहां पे कहां पे, इस जगह पे, ठीक है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे आप देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया, ये जो है पूरा सर्कल जो मिला आपको वो न्यूटन मिला, और इसके पीछे क्या आएगा, मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर तो क्या होता है, जूल होता है, वो भी हमने पहले देखा था। देखो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये अल्टीमेटली एनर्जी का यूनिट क्या आ गया, जूल ही आ गया। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सॉरी यहां पे मैंने लिख दिया गलती से,
देखो एमकेएस यूनिट जूल आ गया, सीजीएस यूनिट फिर क्या होगा, अर्ग ही होगा। ये एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी से बनने की वजह से ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो देखो डायमेंशन में क्या आएगा, यहां से देखो इजीली मिल जाएगा डायमेंशन। किलोग्राम है तो एम वन, मीटर स्क्वायर है तो एल टू, मीटर यानी लेंथ, लेंथ के लिए एल यूज करते हैं। नीचे सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड का क्या होगा, टी। तो मिलेगा क्या अल्टीमेटली, एम वन एल टू और टी माइनस टू मिलेगा। तो ये हो गया बेसिकली एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया, इतना दिमाग में रखना भैया, इसको याद रखने के लिए मैं बोलता हूं, इसको याद रखना यहां पे कि जूल होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। चलो पावर की बात करते हैं, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, दोनों वर्क और टाइम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से ये बनता है, इसलिए ये डिराइव्ड है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है और पावर का यूनिट निकालते हैं। चलो तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसलिए इसका यूनिट हो गया जूल पर सेकंड। और लोग इसको जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, वॉट होता है वो जूल पर सेकंड होता है। फिर जूल का सीजीएस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया, अब डायमेंशन बनाते हैं। डायमेंशन कैसे बनाएंगे, जो ध्यान से देखना, मैं डायमेंशन बना रहा हूं यहां पे। अपने लिए अपने पास यूनिट कौन सा है, जूल पर सेकंड है। जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। अच्छा न्यूटन क्या होता है, तो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हुआ। फिर मीटर है तो मीटर, नीचे सेकंड है तो सेकंड। तो देखो किलोग्राम मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड और सेकंड स्क्वायर मिलके सेकंड का क्यूब हो जाएगा। देखो किलोग्राम का क्या करेंगे, एम वन होगा, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो कि एल टू हो जाएगा, और सेकंड क्यूब का क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब का हो जाएगा टी थ्री। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एम वन एल टू और टी थ्री ऊपर आके क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं एम वन एल टू टी माइनस थ्री, एम वन एल टू और टी माइनस थ्री। इज दैट अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया है कि नहीं आया है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप साथ साथ में अगर मेरे कर रहे हो। देखो अगर सिर्फ सुन रहे हो ना तो हो सकता है कि आप लेक्चर में ऑनलाइन मोड में थोड़े बोर हो सकते हो, लेकिन मेरे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, बहुत मजा आएगा। साथ साथ करते जाओ प्लीज, मेरे साथ आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बाकी है आज का काम। अभी देखो सिंबल क्या है, एरिया, एरिया को डिफाइन किया जाता है ए से, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। वो बेसिकली क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों से मिलके ये एरिया बनता है, ओके। फिर एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैसे आने वाला है, इलेवेंथ के सिलेबस में थोड़ा सा आगे जब हम वैक्टर्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये एरिया जो होता है वो वैक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा फिर देखो यूनिट बनाते हैं। चलो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी होता है मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। सीजीएस में कन्वर्ट करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब क्या होगा, सिर्फ मीटर स्क्वायर है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, एल का पावर टू, एम यहां पे जीरो होगा, टी यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, राइट। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। चलो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, क्योंकि एल बी और एच तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलके वॉल्यूम बनता है। फिर इसका वॉल्यूम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का,
एल बी एच, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, L3 मिलेगा सिर्फ, क्योंकि मास और टाइम अपने यूनिट में आते नहीं है, ठीक है। मास का किलोग्राम नहीं आ रहा है, टाइम का सेकंड नहीं आ रहा है। तो आई होप कि एरिया और वॉल्यूम क्लियर हो गए, ठीक है, समझ में आया ये परफेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये होगा आज का लास्ट पॉइंट। आज के लास्ट पॉइंट में क्या देखना है, प्रेशर। प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो फॉर्मूला, आप कोई पूछेगा कि सर आपको अगर यूनिट डिराइव करना है, डायमेंशन को डिराइव करना है, तो फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, तो हमको फॉर्मूला याद रहने चाहिए। अगर आप में से ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे पूछे तो इसका मैं आंसर दूंगा कि हाँ, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप यूनिट नहीं बना पाओगे, और यूनिट नहीं बनेगा तो डायमेंशन नहीं बनेगा। तो आप सोचोगे सर फॉर्मूला रट्टा मारे, तो मैं अभी के लिए क्या कहता हूं आपको याद रखना, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाते जाओ। देखो आज हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी देखी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला का एक लिस्ट आप अपनी फेयर बुक में बना डालो, ठीक है। आज से ही आपको ये जो हमने पढ़ा उसकी फेयर बुक बनानी है, ओके। तो फेयर बुक में आप इसका लिस्ट बना डालो। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, उस लिस्ट में अलग अलग फॉर्मूला क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा सा लिस्ट रेडी हो जाएगा फॉर्मूला का। फिर जब भी जरूरत पड़े आपको फॉर्मूला की, उस लिस्ट से देख के आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी आप देख के सॉल्व करोगे, लेकिन आने वाले एक आध महीने के अंदर, दो महीने के अंदर ऐसा हो जाएगा कि वो फॉर्मूला आपने इतनी बार देखे होंगे, इतनी बार देखे होंगे कि वो सारे फॉर्मूला आपको क्या हो जाएंगे, याद रह जाएंगे। उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई पर्सनली रेकमेंड कि रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रेकमेंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि लिस्ट बना दो, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। चलो यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो प्रेशर बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स अपॉन एरिया उसका क्या है, फोर्स अपॉन एरिया उसका फॉर्मूला है। चलो अभी क्या, नेक्स्ट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट बनाते हैं। चलो इसका प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ भाई। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अभी हमने प्रीवियस देखा, देखो यहां पे देखो एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से न्यूटन क्या होता है भाई, न्यूटन होता है किलोग्राम, इसको यूनिट लिख सकते हो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन का हो जाता है डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन का हो जाएगा सीजीएस क्या, डाइन हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन के लिए पहले न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। नीचे मीटर स्क्वायर है, तो नीचे मीटर स्क्वायर है, तो देखो क्या आया, किलोग्राम आया, मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होके नीचे क्या बचेगा, मीटर बचेगा, और नीचे एक सेकंड स्क्वायर तो है ही। तो अब क्या हुआ, देखो किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, एम वन, मीटर नीचे है तो मतलब अपनी लेंथ वाला टर्म नीचे आएगा, सेकंड स्क्वायर तो T2 यहां पे आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, M1, L1 को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या होगा, L-1 हो जाएगा। T2 को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो T-2 हो जाएगा। तो डायमेंशंस आपको क्या मिल गया, M1, L-1 और T-2 मिल गया, राइट। तो ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस, ओके। चलो अभी डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब चलो मास का यूनिट क्या होता है, यहां पे डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है। चलो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो इसका फाइनल यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम का सीजीएस कन्वर्जन करोगे तो ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर,
चलो डायमेंशन बनाते हैं, किलोग्राम का क्या होगा m1, मीटर क्यूब का क्या होगा l3 हो जाएगा, तो मतलब क्या आया m1 अपॉन l3 आया। l3 को अगर आप ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में तो क्या मिलेगा m1 l माइनस 3 मिलेगा, तो m1 l माइनस 3 t 0, समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे एक चीज देखनी है, ये जो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है ना उसको कहते हैं पास्कल, ठीक है उसको कहते हैं पास्कल, वो याद रखना है आपको, बस उसके सिवा कुछ और नहीं है। सो ये आपको डायमेंशंस आपको मिल चुके हैं, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये इतनी फिजिकल क्वांटिटी, कितनी की हमने 18 फिजिकल क्वांटिटी आज की। अब आने वाला लेक्चर जो अब संडे को होगा, संडे वाले लेक्चर में हम इससे आगे कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को करेंगे, ठीक है। तब तक इतनी फिजिकल क्वांटिटी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और आज जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो पर्टिकुलर चीज को आप फेयर बुक में लिखना, ठीक है। आप ऐसा ही मान लो कि आप रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हो और फेयर बुक में सब कुछ लिखना है आपको, फेयर बुक में ये सब कुछ लिखना, समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे क्या करोगे, देखो यहाँ पे डिटेल्स मैंने दी हुई है, उस डिटेल्स पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे दिया गया है टेलीफोन नंबर, वो मेरा खुद मेरा टेलीफोन नंबर है, मोबाइल फोन नंबर है, तो उस मोबाइल फोन नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके सिवा आज ही मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाया है, उस चैनल का नाम है बोसोन फिजिक्स विद प्रणव, यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर, नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियरली सब कुछ। तो उस चैनल पे आपको क्या, मैं अपने मटेरियल्स या फिर अपने जो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर को शेयर करूंगा। जिसको वो चाहिए वो पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करे बोसोन फिजिक्स विद प्रणव, आपको मुझे आपको ये चैनल मिल जाएगी। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं चैनल के अंदर जो भी चीज अंदर रखूंगा वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, राइट। ये चीज को मैं चैनल के अंदर डालूंगा आज रात को 12 बजे के बाद, ठीक है। तो 12 बजे तक जिसको मेरा मटेरियल चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो वो टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इसके सिवा आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, www.boson.in, ठीक है। वहां से भी अब मेरा जो मटेरियल है वो आप एक्सेस कर सकते हो। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेक्चर अटेंड करना है, पढ़ना है, क्वेरी पूछना है, आपको ऐसा ही फील करना है जैसे आप रेगुलर ट्यूशंस में हो। आपको मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। इस लेक्चर को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सको उतने लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे मेरी चैनल में जो भी कुछ नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। मतलब हो सकता है कि आपको टाइम कुछ चीजों के बारे में पता ना हो, कुछ चीजों के अपग्रेडेशन के बारे में पता ना हो, हमारे वहां से आपको कॉल आया हो, शायद वो कॉल आप रिसीव ना कर पाए हो और कुछ कम्युनिकेशन चूक गया हो, तो एटलीस्ट जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उसके इस पर्टिकुलर चैनल पे जो कुछ भी मैं अपलोड करूंगा आपके लिए वो आप डायरेक्टली देख पाओगे, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है गाइस, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों में ये चीज फैला दो। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। इस पर्टिकुलर मंथ तक, जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक ये लेक्चर सबके लिए फ्री है, ठीक है। सो जस्ट यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट टू जस्ट एनहांस योर नॉलेज अबाउट फिजिक्स गाइस, ठीक है। आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।